बनियापुर रेफरल अस्पताल बनियापुर में भारत सरकार द्वारा संचालित असंगठित श्रमिकों के लिए निःशुल्क निबंधन कराया गया। वहीं ई श्रम कार्ड बन जाने के बाद सरकार द्वारा श्रमिकों के विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया, ई श्रम कार्ड के बन जाने के बाद असंगठित श्रम क्षेत्र श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आच्छादित सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मौके पर कई स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं का श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एपी गुप्ता, स्वास्थ्य प्रबंधक राममूर्ति सहित अन्य शामिल थे। बनियापुर से जमीरुद्दीन की रिपोर्ट। लोग विभिन्न तरह के प्लेस पर जा करके इसका कैंप भी करते हैं, जैसे आज आपके हॉस्पिटल में हम हैं। यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ के हेल्थ वर्कर के लिए ये लगाया गया है। यहाँ आप लोगों का ई श्रम बनेगा। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा इसमें दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर जिस दिन ये कार्ड बनेगा उसके बनने के अगले मिनट से आपका ये इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। उसमें 2 लाख रुपए तक की बेनिफिट दी गई है और आने वाले समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं को इससे जोड़ा जाएगा। बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम को इसी कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। तो ये इनिशियली है और अभी बहुत आसानी से हम लोग बनवा रहे हैं। बाद में आगे चलकर ये जिला और ब्लॉक लेवल पर ही केवल इसका केंद्र रहेगा, इसलिए आप लोग अभी लग करके बनवा लीजिए। हम लगातार इसका हम लोग कैंप करवाएंगे। जितना लोग हैं हेल्थ वर्कर, यहाँ के जो हेल्थ मैनेजर हैं राममूर्ति जी, उनको हम उनके दिशा निर्देश में हम लोग ने यहाँ संचालित किया है और आगे भी उनको हम यहाँ पर करेंगे कैंप। आप आज जितना मैक्सिमम हो सके आज बनवा लीजिए। कल भी कैंप रहेगा। अगर आज नहीं हो पाया तब, अगर आज सारे लोगों का हो गया तो कल नहीं रहेगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम कल भी देंगे कैंप, लेकिन आज आप लोग बैठ करके सारा चीज कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमसे फिर कांटेक्ट कीजिएगा या अपने हेल्थ मैनेजर से बोलिएगा, फिर वो हमको बताएंगे। समझ गया, ठीक है। खुदा निर्माण का भरोसा, लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।